पाकिस्तान की कंगाली किसी से छुपी नहीं है। आर्थिक तौर पर पाकिस्तान बर्बादी के कगार पर पहुंच चुका है, लेकिन इन सब के बावजूद पाकिस्तान अपनी पुरानी आदत से बाज नहीं आता है। पाकिस्तान में आटे दाल को लेकर मारामारी चल रही है। बिजली संकट के कारण अंधकार में जीना पड़ रहा है। पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। कर्ज के लिए पाकिस्तान IMF से लेकर दुनिया के कई देशों के सामने कटोरा लेकर गिड़गिड़ा रहा है। इसी बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने POK पर बयान देकर एक बार फिर ये जता दिया है कि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने कहा कि जब तक कश्मीरी संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के तहत आत्मनिर्णय के अधिकार को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक उनका देश उन्हें कूटनीतिक, राजनीतिक और नैतिक समर्थन देना जारी रखेगा। POK की विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के तहत हमेशा जम्मू कश्मीर मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान पर जोर दिया है। शहबाज शरीफ ने कहा कि हम कश्मीरी लोगों का बिना शर्त नैतिक, कूटनीतिक और राजनीतिक समर्थन जारी रखेंगे। शहबाज ने ये बयान तब दिया है जब पाकिस्तान की आर्थिक हालत बेहद कमजोर है। कर्ज देने के लिए कोई देश तैयार नहीं है। IMF भी कर्ज को लेकर कड़ी शर्तों को रख रहा है। ऐसे हालात में भी पाकिस्तान का कश्मीर राग अलापना ये दिखाता है कि शहबाज भूख से तड़पती अपनी जनता को कश्मीर के नाम पर गुमराह करना चाहते हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की सच्चाई पाकिस्तान हमेशा दुनिया से छुपाता है और POK के लोगों पर जुल्म करता है। एक सच्चाई ये भी है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोग ही पाकिस्तान सरकार का समर्थन नहीं करते हैं। फिर भी पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ कश्मीर के नाम पर अपनी नाकामी को छुपाने की कोशिश करते हैं। POK ही नहीं, पाकिस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ गिलगित बल्तिस्तान से लेकर बलूचिस्तान तक के लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं, लेकिन उनके विरोध को कुचल दिया जाता है। शहबाज शरीफ का कश्मीर पर बयान पाकिस्तान की जनता का ध्यान भटकाना और उनकी बौखलाहट को दिखाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल TV9 Digital।